नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। आज बात करने जा रहे हैं जिन्नात की। जिन्नात बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, इंसानों की ही तरह। यह बात है चंदनपुर की कोठी की। यह बात है 1907 के दशक की, जब दूर चंदनपुर नाम का एक गांव था जो रुस्तमपुर रियासत के अंतर्गत आता था। रुस्तमपुर का राजा मणिकचंद का जो महल था वो इसी चंदनपुर गांव में बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत महल था, बहुत ही आलीशान। राजा का महल चंदनपुर की कोठी के नाम से पूरे क्षेत्र में जाना जाता, पूरे गांव में जाना जाता। राजा मणिकचंद दरबार में आए, किसी दीन दुखिए की मदद नहीं करता था, कभी भी मदद नहीं करता था। वो केवल अपने सुख पर ध्यान देता था, उसे प्रजा के दुख से कोई लेना देना नहीं था। एक दिन एक भिखारी राजा के राज दरबार में आता है। भिखारी कहता है, महाराज मैं बहुत बुरी स्थिति में हूं, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। राजा ने कहा, अरे इसे अंदर किसने आने दिया, निकालो इसे यहां से, मैं इन लोगों की मदद करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। वो भिखारी रोता हुआ वहां से चला जाता है। राजा कहता है, मंत्री ऐसे लोगों को अंदर घुसने ही मत दीजिए। इसी तरह जो भी मदद मांगने आता उसे राजा मणिकचंद बेइज्जत करके निकाल देता। एक रात राजा मणिकचंद महल के पास टहल रहा था कि तभी किसी की आवाज आती। अघोरी आया था वहां, मदद करो, मेरी मदद करो। राजा ने कहा, यह किसकी आवाज आ रही है। राजा मणिकचंद देखता है कि महल के पास ही एक अघोरी बुरी स्थिति में है और मदद के लिए पुकार रहा है। राजा ने कहा, क्या हुआ है तुम्हें। अघोरी ने कहा, मैं बहुत ही बुरी स्थिति में हूं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, कृपया मेरी मदद करो। राजा ने कहा, हट, मैं किसी की मदद नहीं करता, तुम लोगों का नाटक मैं खूब समझता हूं, चलो चलो निकलो यहां से। अघोरी ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, कृपया मेरी मदद करो। राजा ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम निकलो यहां से। अघोरी ने फिर कहा, तुम बहुत बुरे इंसान हो, देखना एक दिन इसके बदले में तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा। अब अघोरी ने यह शराब दिया और वहां से चला गया। राजा मणिकचंद अघोरी की बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अगले दिन पता चलता है कि उस अघोरी ने महल के बाहर ही अपने प्राण त्याग दिए। राजा मंत्री से कहता है, जल्द से जल्द इसकी लाश को ठिकाने लगवा दो। मंत्री ने कहा, जी महाराज अभी लगवाता हूं। कई महीने बीत जाते हैं, फिर एक दिन कुछ लोग मणिकचंद से मिलने आते हैं, किसी गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं। अगले दिन राजा मंत्री जी, कल कुछ लोग आए थे, कह रहे थे हमारे राज्य पर कुछ संकट आने वाला है। मंत्री ने कहा, जी हाँ महाराज, सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि ये राजपाट ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। राजा ने कहा, शुभ शुभ बोलिए मंत्री जी, शुभ शुभ बोलिए, जैसी खबर आ रही थी वैसा ही होता है, बढ़ते काल क्रम और बदलते दौर के साथ एक दिन वक्त की मार राजा मणिकचंद की रियासत पर पड़ी। सरकार ने सारी रियासतों का विलय भारत सरकार के अधीन कर दिया। तभी राजाओं की रियासतें उनसे छीनी जाने लगी, मणिकचंद भी उनमें से एक था। राजा मणिकचंद अब अपनी रियासत को लोगों के सिर्फ मणिकचंद हो गया था, राजा नहीं रहा था। रुतबा बरकरार रखने के लिए रियासत में कब्जा की गई जमीनें बेचे जाने लगा और जमीन बेचकर आए पैसों से शान और शौकत बरकरार रखने की कोशिश की जाने लगी। धीरे धीरे सभी जमीन जायदाद खत्म हो गई। मणिकचंद जो राजा था वो फकीर हो गया। इसी के साथ मणिकचंद का सारा घमंड कांच की तरह टूट कर चूर चूर हो गया। अब मणिकचंद को एक आम इंसान के दुखों के बारे में पता चल रहा। एक दिन अचानक मणिकचंद की पत्नी ने कहा,
पत्नी, आप तो ठहरे राजा साहब, आपके लिए तो मेहनत मजदूरी बनी ही नहीं। घर का खर्च चलाने के लिए लग रहा है कि मुझे ही काम करने के लिए घर की दहलीज लांघने की जरूरत होगी। राजा ने कहा, राज परिवार के घर की बहुओं को लाज पर्दे में ही रखा जाता है। राजा मानिकचंद को अपनी पत्नी की यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने खुद को आत्मग्लानी होने लगी। भीतर उनके कुछ अजीब सी हलचल होने लगी। राजा मन में, ये सब मेरी ही करने का फल है, मैंने आज तक इतने गलत काम किए, उसकी सजा है ये। सबको दुख दिया और अपना राज धर्म छोड़कर भोग विलास में लुप्त रहा, ये उसी की सजा है। गांव के बाहरी तरफ एक खंडर हो चुका एक मंदिर था। वहां पर पूजा पाठ नहीं होती थी और ना ही उधर कोई आता जाता था। मानिकचंद उस मंदिर में जाकर बैठ गया। सारी बातें सोच सोच कर मानिकचंद अपना आपा खो देता है और मंदिर की चौखट पर अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान देने की कोशिश करने लगता है। सिर पटक पटक कर होने वाला दर्द राजा की बुद्धि के द्वार खोल देता है। उसे ये आभास हुआ, मेरे ना होने से मेरी पत्नी और मेरे राज्य के हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जाएंगे। नहीं नहीं, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। इस तरह मानिकचंद ने आत्महत्या का इरादा बदल दिया। सिर पटकने की वजह से खून बहुत निकल रहा था और वे खून उसी खंडहर के पास रखे एक फूलदान पर गिरता जा रहा था। जैसे ही खून उस फूलदान पर गिरता है, फूलदान में से एक जिन निकलकर बाहर आता। जिन, मानव के खून की प्यास आज जाकर बुझ पाई है। हाँ, मैं आजाद हो गया, वो खुश होने लगा। राजा ने कहा, कौन हो तुम? जिन ने कहा, मैं इस खंडहर का जिन हूं, इसी फूलदान में रहता हूं। एक अघोरी ने मुझे 70 साल पहले इसी फूलदान में कैद कर दिया था। राजा ने कहा, फिर तुम बाहर कैसे आ गए? जिन ने कहा, अघोरी ने कहा था कि मेरे मरने के बाद किसी भी इंसानी खून के स्पर्श से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। लग रहा है वे अघोरी मर गया। जिनकी ये बात सुनते ही मानिकचंद उस रात की बात याद करता है जब एक अघोरी ने उससे मदद मांगी थी और उसने मदद करने से मना कर दिया था। उसके अगले दिन उस अघोरी की मृत्यु हो गई थी। राजा ने जिन से पूछा, तो अब क्या इरादा है तुम्हारा? जिन ने कहा, मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करके इस दुनिया में राज करूंगा। राजा ने कहा, वो कैसे? जिन ने कहा, जिस शरीर के खून से मुझे मुक्ति मिलेगी, उस शरीर को धारण कर लेने में मेरी शक्ति 7 गुना बढ़ जाएगी। मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारा शरीर हासिल कर लूंगा। और वो ऊंची ऊंची हंसने लगा। राजा ने कहा, मुझे छोड़ दो, अभी कुछ देर पहले तक मुझे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं था, पर अब मुझे अपने परिवार और राज्य की चिंता हो रही। जिन ने कहा, आखिर कैसी चिंता? बोलो तो मैं तुम्हारे शरीर के बदले कुछ भी करने को तैयार। राजा ने कहा, यह एक बहुत बड़ा निर्णय है जिसे मैं तुरंत नहीं ले सकता, मुझे मेरे परिवार से इस बारे में चर्चा करनी होगी। जिन ने कहा, ठीक है, ये इत्र लो, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूं। ये इत्र 1 महीने तक खत्म नहीं होगा। इस इत्र की खुशबू जहां तक चलेगी, तुम्हारा राज पाठ तुम्हें वहां तक मिलता रहेगा। उस क्षेत्र में मौजूद लोग तुम्हें फिर से राजा मानने लगेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। जिन ने कहा, याद रहे, ठीक 1 महीने बाद तुम अपने आप अपनी स्थिति में बेहोश हो जाओगे और तुम्हारे शरीर पर मेरा कब्जा हो जाएगा। फिर मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। और जिन हंसकर वहां से अलविदा कहने लगा। राजा जिन का दिया हुआ इत्र अपने शरीर पर लगाता है और अपने महल की तरफ बढ़ने लगता है। जहां जहां से राजा गुजरता है, वहां वहां पर उसे अद्भुत बदलाव देखने को मिले हैं। उसके महलों में करदाताओं का आना फिर से चालू हो गया। रियासतों की दीवारें फिर से चमकने लगी। जिनके दिए हुए इत्र की खुशबू ने राजा मानिकचंद की राजशाही को फिर से लौटा दिया। एक दिन राजशाही के वापस मिलने के बारे में राजा की पत्नी ने राजा से जिक्र किया। रानी ने कहा, इतना बदलाव कैसे हो रहा? राजा ने कहा, यह शोहरत मेरे जीते जी
बस कुछ ही दिनों की मोहताज है। राजा ने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। ये सब सुन रानी जोर जोर से रोने लगी। रानी रोते हुए कहा, उस जिन से कहिए कि अपना सारा राजपाट वापस ले ले, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। राजा ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, 1 महीने के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं बस 1 महीने का जीवन इसलिए बचाकर जी रहा हूं ताकि अपने परिवार को इस काबिल कर जाऊं कि वापस तुम्हें इस दहलीज को पार कर काम करने के बारे में सोचना भी ना पड़े। रानी ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही आपको जाने दूंगी। राजा ने कहा, खुद को काबू रखो, कल 1 महीना पूरा हो जाएगा और मैं कल हमेशा तुम लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा। वे वो रात और आने वाला दिन पूरी तरह डर में बीतने लगा। राजा महीने के आखिरी दिन उस जिन के वापस आने का इंतजार करने लगा। सुबह से लेकर शाम बीत गई पर जिन नहीं आया। राजा के मन में जीवन के प्रति चेष्टा और चाहत बढ़ने लगी। राजा को लगा कि जिन शायद भूल गया है कि उसे आज मेरे शरीर लेने वापस आना है। फिर अचानक ही राजा के मन में विचार आया, ये गलत है, जिन ने अपने किए हुए वादे अनुसार मेरा राजभाग मुझे लुटा दिया। मेरा परिवार मेरा ना होने के बावजूद सुख में जीवन जी सकता है, मुझे भी मेरा कर्तव्य निभाना हो। मैं इतना लोभी नहीं हो सकता, मुझे राज धर्म निभाना हो। ये सब सोचकर राजा वापस उस खंडहर वाले मंदिर में पहुंचकर उस जिन को खोजने लगा। राजा आवाज लगाते हुए, कहां हो जिन, देखो मैं वापस आ गया, तुम मेरा शरीर ले सकते हो। तभी अचानक से जिन प्रकट हुआ। जिन ने कहा, तुम आ गए मानिकचंद। राजा ने कहा, हाँ, तुम्हारे इस इत्र की खुशबू ने मेरा राजपाट मुझे वापस कर दिया, इसके लिए शुक्रिया। अब मेरे अपने कहे अनुसार मैं अपना शरीर तुम्हें वापस देने आया। जिन ने कहा, तुम तो सच में एक ईमानदार राजा निकले। अपनी जुबान का ईमानदार होना ही एक राजा का पहला कर्तव्य होता है। राजा ने कहा, मैं अपनी ईमानदारी पर अड़िग हूं। जिन हंसता है। राजा कहता है, क्यों इतना हंस रहे हो तुम। जिन ने कहा, एक बार सिर घुमाकर अपने आसपास देखो। राजा अपने चारों तरफ देखता है तो वो खंडहर एक खूबसूरत मंदिर बन चुका था। राजा ने कहा, ये खंडहर एक आलीशान मंदिर कैसे बन गया। जिन ने कहा, तुम्हारे इत्र को लगाकर इस मंदिर में आ जाने से इस मंदिर का भी कायाकल्प हो गया और ये भी एक तीर्थ स्थान बन गया। राजा ने कहा, तो इससे मेरी मृत्यु का क्या संबंध, तुम अपना कार्य करो, ले जाओ मेरा शरीर। जिन ने कहा, जब तक मैं इस खंडहर में था तब तक इस खंडहर का एक जिन हुआ करता था, मेरी मति भी राक्षसों वाली थी, अब मैं इस समय तीर्थ मंदिर में मौजूद हूं, मैं तुम्हारा शरीर और प्राण नहीं ले सकता। राजा, इस खंडहर के मंदिर बन जाने में तुम में क्या परिवर्तन आ गया भला। राजा ने पूछा जिन से। जिन ने कहा, यह खंडहर ही मेरा घर था, क्योंकि कई सालों से मैं इस खंडहर में कैद था। तुमने मुझे इस खंडहर से जब आजाद कराया तब भी मैं एक जिन ही था, क्योंकि ये स्थान भी एक खंडहर ही था, लेकिन अब इस खंडहर के तीर्थ बनने से मेरी राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश हो गया, मंदिर बन गया था वहां। जाओ, तुम आज से आजाद हो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समय के अनुसार ही आएगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस तीर्थ में यज्ञ करवाऊंगा और इस परोपकार की कथा सबको सुनाऊंगा। राजा मानिकचंद को वापस जीवित देखकर उसके परिवार में खुशियां वापस आ गई। कुछ ही दिनों में उस खंडहर वाले मंदिर में यज्ञ हुआ और परोपकार की कथा सुनाई गई। धीरे धीरे मंदिर, वही मंदिर चंदनपुर के तीर्थ के नाम से मशहूर हो गया। साथ ही राजा मानिकचंद और चंदनपुर गांव के जिन की कहानी परोपकार की कथाओं में प्रचलित हो गई। राजा मानिकचंद अब सभी के दुखों को सुनता और सभी की मदद करता। पूरे राज्य राजा के अंदर हुए बदलाव से अत्यंत सुखी था। तो ये जिन ने परोपकार कर दिया था और उस मंदिर में रहने की वजह से जिन की राक्षसी प्रवृत्ति बदल चुकी थी और वो तीर्थ बन चुका था। बात यही है, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, जैसे कि हम इंसान वैसे ही जन्नात। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।